केदारनाथ मंदिर के बारे में आप सभी ने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी रोचक बातों के बारे में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों और 5 शैव तीर्थों में से एक है, जहां भगवान शिव की पृष्ठभाग यानी पीठ की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर के पुजारी कर्नाटक के मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है और जो वे शंकराचार्य के वंशज कहलाते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि के दिन घोषित होती है और अप्रैल के आसपास कपाट खुल जाते हैं तथा हर साल भैया दूज के दिन कपाट बंद हो जाते हैं और शीतकाल में केदारनाथ की पूजा उखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में की जाती है। इसी ओमकारेश्वर मंदिर में माना जाता है कि श्री कृष्ण के पौत अनिरुद्ध और बालासुर की पुत्री उषा का विवाह हुआ था। हर साल केदारनाथ में एक उत्सव मनाया जाता है जिसे अन्नकूट या भतूज उत्सव कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया और 1948 में इसके संचालन के लिए केदारनाथ मंदिर समिति का गठन किया गया। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना है, जिसके गर्भगृह में एक ग्रेनाइट की शिला है जिसको भक्त लोग पूजते हैं और साथ ही साथ केदारनाथ को ब्रह्म कमल अर्पित किया जाता है। मंदिर के निकट स्थित भैरव शिला या भैरव झाप को केदारनाथ का रक्षक देव माना जाता है और साथ ही साथ 2013 में बहकर आए एक विशालकाय पर्वत को भीम शिला या दिव्य शिला के नाम से जाना जाता है, जो आज केदारनाथ मंदिर के पीछे वाले भाग में स्थित है। मंदिर के निकट ही लाल पानी वाला रुधिर कुंड, रैतस कुंड जिसमें ओम नमः शिवाय का जाप करने से बुलबुले उठते हैं, मोक्ष प्राप्ति वाला अमृत कुंड और हंस कुंड स्थित है। साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर शंकराचार्य की एक विशाल मूर्ति का भी अनावरण किया। खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ जैसे पर्वतों के बीच बसे इस स्थान पर एक अलग सुकून महसूस होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप केदारनाथ गए हैं, अगर गए हैं तो आपको वहां कैसा महसूस हुआ या आप केदारनाथ जाना चाहते हैं।